नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में 4 से 5 छोटी छोटी अपडेट्स हैं जो मेरे को लगता है आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो वीडियो पूरी देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर पंजाबी स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल रिजा अप्रोच के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही और अपडेट्स के लिए। तो बात करें जी सबसे पहली अपडेट की, तो जी ये छोटी छोटी अपडेट्स हैं जो मेरे को लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सबसे पहले अपडेट की बात करें तो जी आज की डेट में 17 से 18 लाख फाइल्स जो हैं पेंडिंग हैं पुराने 2 साल से कोविड की वजह से, जिससे क्या है रिजल्ट बहुत लेट हो रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है आज की डेट में नए एजेंट्स नई फाइल्स लगा रहे हैं, ठीक है जी, बहुत सारी फाइल्स उसके ऊपर से ऊपर लग रही हैं। तो अम्बेसी ने क्या किया, कैनेडा अम्बेसी ने अप्रॉक्सीमेट 500 न्यू स्टाफ मेम्बर्स जो हायर किए हैं, जिससे क्या है प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी सी फास्ट होने के चांसेस। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, बार बार जो लोग हैं वेब फॉर्म रेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा वेट करिए। सभी फाइल्स के 2019-20-21 न्यू पोर्टल ओल्ड पोर्टल 2022 बहुत सारी लोगों के बहुत सारी फाइल्स के रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं, चाहे वो पुरानी है चाहे वो नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करिए, आपकी फाइल का रिजल्ट भी जल्दी आ सकता है, थोड़ा सा वेट आपको और करना चाहिए। बार बार वेब फॉर्म या ईमेल आपको रेस मत करिए, ठीक है जी, इससे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करिए, आपका भी रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। सेकेंड अपडेट की बात करें तो जी अम्बेसी ने थोड़ा सा जो इंडिया में अम्बेसी हैं जैसे दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, और भी जो सिटीज में है और कंट्रीज में भी जो है उनको भी रिलोकेट किया है। जैसे क्या होता था मोस्टली फाइल जो है कैनेडा के हेड ऑफिस में जाती थी, तो उन्होंने अभी उन फाइल्स को थोड़ा सा बांट दिया है, जैसे समझ सकते हो, ठीक है। जब एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहा हूँ मैं आपको, कैसे समझाऊँ, थोड़ा सा आप ये समझ सकते हो कि जो अम्बेसी थोड़ा सा काम स्लो कर रही थी वहाँ पे स्टाफ भी हायर किया है, वहाँ पे थोड़ी सी फाइल्स को भी कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है जी। अपनी थोड़ी सी फाइल्स जो हेड ऑफिस में थी वो और कंट्रीज में और उनके जो सब ऑफिस थे वहाँ पे भी उन्होंने शेयर किए हैं, ताकि जो फाइल्स के रिजल्ट है वो जल्द से जल्द दे सके और जो बैकलॉग है उनको जल्द से जल्द क्लियर किया जा सके। थर्ड अपडेट की बात करें तो जी लास्ट कुछ लोगों का या कुछ वीडियोस बहुत सारी वायरल हो रही है कि ये कुछ सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं जिससे क्या रिजल्ट रिफ्यूज हो रहे हैं या फाइल्स जो है रिफ्यूज हो रहे हैं। तो लास्ट अभी इन्होंने डाटा एनालिटिक्स जो है एग्री किया है कि ये एक डाटा एनालिटिक्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन उस पर सिर्फ 80 से 85% का जो काम होता है फाइनल डिसीजन वीजा ऑफिसर का ही होता है। तो इस चीज के लिए आप टेंशन फ्री रहिए कि हाँ अभी समथिंग छीनू करके कुछ सॉफ्टवेयर था या समथिंग कुछ ऐसा प्रोडक्ट था जिसको ये यूज कर रहे थे, बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई थी। तो अभी इन्होंने भी माना है कि हम यूज करें, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आपका होता है वो वीजा ऑफिसर ही देता है। वहाँ पे जो बेसिक सा काम होता था फाइल चेक करने का, डॉक्यूमेंट्स डाटा एनालिटिक्स को रिकॉर्ड्स को चेक करने का, तो वहाँ पे सिर्फ वो ही हो रहा है। आने वाले दिनों में भी उसको वो यूज करेंगे, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होता है वो वीजा ऑफिसर ही तय करते हैं कि आपकी फाइल आपके डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ से अप्रूव होगी या रिफ्यूज होगी। तो इस चीज़ का टेंशन मत लीजिए, जो लोग सोच रहे थे कि हाँ भी ये कोई सॉफ्टवेयर में अपनी फाइल्स को डाल रहे हैं जिससे क्या फाइल्स रिफ्यूज हो रही हैं, रिजेक्ट करी जा रही हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे कर रहा है, उसमें पता नहीं कौन से इन्होंने पॉइंट्स एड ऑन किए जो हमारी फाइल जो है मैच नहीं करती और हम रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक डाटा एनालिटिक्स है जो एक बेसिक सा काम जो वीजा ऑफिसर का कम कर देता है, उसके बाद जो वीजा ऑफिसर का जी सिर्फ फाइनल डिसीजन देने का काम होता है, ठीक है जी। तो इस चीज़ से आप टेंशन फ्री हो सकते हैं, ठीक है जी। और ये जो मिथ है, ये जो फेक न्यूज है समझ सकते हो, या जो मिथ है जो लोगों के मन में पड़ गया है कि यहाँ भी अगर आपकी फाइल सॉफ्टवेयर से ही चेक हो रही तो आपकी फाइल रिफ्यूज होगी, तो इस चीज को भी अपने मन से आप निकाल सकते हैं। लास्ट पॉइंट की बात करें तो जी आज की डेट में पीआर केसेस भी बहुत टाइम ले रहे हैं, तो वहां पे भी कैनेडा अम्बेसी अभी ट्राई कर रही है, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रही है, जो फाइल्स अभी टाइम ले रही है उनको थोड़ा सा इजी एंड फास्ट प्रोसेस, जैसे कि आपको बोला 500 से प्लस इन्होंने न्यू स्टाफ हायर किया है, अम्बेसीज को रिलोकेट किया है, अपनी जो फाइल्स है वो कॉन्ट्रीब्यूट जहाँ पे नहीं हो रही थी वहाँ पे भी की हैं, ठीक है जी। तो अभी पीआर केसेस भी जो लटक रहे थे तो उनका भी प्रोसेस इन्होंने फास्ट कर दिया है। विड्रॉ अभी जो एक्सप्रेस एंट्री के विड्रॉ थे वो तो अभी बंद है, उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन पीआर केसेस भी इन्होंने प्रोसेसिंग में डाल दिए हैं, जो पुराने पीआर केसेस हैं उनको फास्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस साल जैसे हर साल इनका टारगेट रहता है, इस साल भी इनका टारगेट है कि इन लोगों को या इतनी अमाउंट में या क्वांटिटी में लोगों को पीआर देनी है। तो आप इस चीज़ के लिए भी बेफिक्र रहिए, जिनकी पीआर फाइल लगी उनका भी रिजल्ट जल्द से जल्द आने के संभावना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही छोटी छोटी अपडेट थी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक कुछ नए अपडेट्स के साथ।